बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला स्तर पर परशुराम भवन के निर्माण के लिए ब्राह्मण समुदाय को 1 रुपए की लीज पर जमीन आवंटित करवाएं। उपलब्ध करवाई जाने वाली जमीन का चयन संबंधित समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को प्रदेश के बड़े मंदिरों में पुस्तकालय स्थापित करने के भी निर्देश दिए, ताकि अनुसंधानकर्ताओं को इन पुस्तकालयों से लाभ मिल सके। इस तरह के पुस्तकालय पहले ही संस्कृति कॉलेज व अकादमियों में हैं। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए कहा कि संस्कृत एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है और प्रतियोगी युग में अधिक अंक लाने वाला एक विषय है। उन्होंने सदस्यों की मांग पर आश्वासन दिया कि संस्कृत भाषा को राज्य के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्तर पर आरंभ करने की उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। शिक्षा, धर्म व व्यावहारिक जानकारी के संप्रेक्षण में ब्राह्मण समुदाय के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समुदाय का समाज को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा, समुदाय आज भी जीवन के प्रत्येक स्तर पर अग्रणी है। राज्य सरकार ने प्रत्येक समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न बोर्डों का गठन किया है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कल्याणकारी बोर्डों की बैठकों के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर उपयुक्त निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर साधारण में असाधारण शीर्षक पुस्तक का विमोचन भी किया, जो कांगड़ा जिला के बैजनाथ क्षेत्र से संबंधित पूर्व मंत्री पंडित संतराम पर आधारित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर धनीराम शांडिल ने मुख्यमंत्री और ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने गैर सरकारी सदस्यों को उनकी समस्याओं के प्रति सचेत रहने को कहा, ताकि उनका निवारण सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री का प्रदेश भर में समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान को सुनिश्चित बनाने के प्रति वचनबद्धता की भी सराहना की। वहीं शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए कहा कि सभी सदस्यों को उनकी मांगों को सुझाव सहित तैयार करना चाहिए, ताकि सार्थक निर्णय सामने आ सके। उन्होंने सदस्यों को अग्रिम मांगे भेजने को कहा, ताकि उन पर बैठक में चर्चा की जा सके। बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मणों को आरक्षण का प्रावधान करना, जिला स्तर पर परशुराम समुदाय केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि व धनराशि उपलब्ध करवाना, सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर बनाई गई विभिन्न योजनाओं की सुविधाएं सुनिश्चित करना, योजना ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को पहचान पत्र जारी करना, मंदिर भूमि का मालिकाना हक वापस करना, ब्राह्मण समुदाय की मंदिर प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित बनाना, विभिन्न मंदिरों में पुस्तकालय स्थापित करना और अधिक संस्कृत महाविद्यालय व अकादमी खोलना, गौ सदनों के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध करवाना, बंदरों व अन्य जंगली जानवरों के उत्पात को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना, आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण परिवारों को 4% की दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, संपर्क मार्गों के निर्माण, पेयजल आपूर्ति, निर्धन प्रतिभावान ब्राह्मण छात्रों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना, कौशल विकास कार्यक्रम के साथ साथ कर्मकांड व ज्योतिष का प्रशिक्षण भी प्रदान करना, चंबा का अधिकार हासिल करना इत्यादि मामलों पर चर्चा की गई। हर वर्ग की अपनी एक विशेष समस्याएं, उन विशेष समस्याओं को जानने के लिए, जानने के लिए हमने एक बोर्ड भी उनको कायम किया है और उसे बहुत फायदा हुआ है। एक आम बात मालूम होती थी, किस वर्ग को कौन सी बात चुभ रही है, कौन सी बात का वो निराधार करना चाहते हैं, उसका उसका जो है वो सरकार का ध्यान उसका वो आकर्षित करना चाहते हैं, उसके लिए ऐसी बैठकें जो अगरबल की है बहुत अच्छी साबित हुई है। हमको भी हर वक्त नई नई जानकारी प्राप्त होती है, कई बातें जो है हमको भी मालूम नहीं थी, सरकार में मालूम नहीं थी। और आप जिसको आप मत देते हैं, जो आपको आप चाहते हैं कि समाज के आगे ले जाने के लिए, विकास के लिए
जरूरी है, आवश्यक ही है, और सरकार जो है हमेशा आपके साथ है और आपके विकास के लिए हम हर मुमकिन कदम जो है उठाने के लिए तैयार हैं। पहले भी उठाए हैं, अभी उठाएंगे और करेंगे और आइंदा भी करेंगे। आप अपने विचार स्वसंति कैसे रखें, आपके सुझाव है हमको रखें। सरकार जो है हमेशा जो भी अच्छा सुझाव हो उस पर अमल करने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में कांगड़ा केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यालय परिसर से बैंक की 8 शाखाओं का ऑनलाइन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में कांगड़ा केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यालय परिसर में बैंक की 8 शाखाओं का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इन शाखाओं में कांगड़ा जिले में मेन पालमपुर, पंचरुखी, पधियारखर, महाकाल और भवारना, और ऊना जिले में थाना कला, मुबारकपुर और हारसी शामिल हैं। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बैंक द्वारा की गई प्रगति को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 5 जोन में इस बैंक की 210 शाखाएं कार्यशील हैं। कांगड़ा जिले में बैंक की 106 शाखाएं हैं, जबकि ऊना जिला में 30, कुल्लू में 26, हमीरपुर में 42 और लाहौल स्पीति में 6 शाखाएं हैं। विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। इस अवधि के दौरान प्रदेश सरकार ने 432 विधवाओं को लाभान्वित किया है। देश सरकार ने मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाया है और गत 4 वर्षों के दौरान 21 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। योजना से प्रदेश की 78,847 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में महिला कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। विकास व प्रगति में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभ्यता की शुरुआत से लेकर समाज की प्रगति और विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोई भी व्यक्ति महिलाओं के बिना समाज के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता। परिवार में एक अकेली महिला के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। महिलाओं ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में समान रूप से भाग लिया और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम ने कहा कि आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आज महिलाएं सैन्य सेवा के साथ साथ अन्य कठिन क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। महिलाएं कठोर परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से पुरुषों के बराबर खड़ी हैं और उन्हीं के बराबर सम्मान प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम व नीतियां आरंभ की गई हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के प्रति वचनबद्ध है। स्पीति में वर्किंग वुमेन हॉस्टल की स्थापना, परवाड़ू में वर्किंग वुमेन हॉस्टल में आवश्यक सुविधाओं में सुधार, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए हिमाचली प्रमाण पत्र की शर्त हटाना, पशुपालन में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, लघु उद्योग इकाइयों को आसपास के क्षेत्रों में विस्थापित कर महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता और महिलाओं को नीतियों के बारे में जागरूक करना, आंगनबाड़ी केंद्रों की मौके पर जाँच करना, प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभाओं में महिला कर्मचारियों को तैनात करना, पंचायत स्तर पर एक कन्या स्कूल खोलना, बलद्वारा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाना, बालीचौकी अस्पताल में महिला स्त्री रोग और बाल चिकित्सकों की नियुक्ति, पंचायती राज संस्थानों में चयनित पदों पर महिलाओं द्वारा उनके परिवारों के बिना किसी हस्तक्षेप के सभी कर्तव्यों का निर्वहन, महिला बैंक खोलना, पार्किंग सुविधा, निम्न दरों पर ऋण सुविधा, 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग और अक्षम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता की सरलीकरण इत्यादि विषयों पर बैठक में चर्चा की गई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।